हेलो गाइस, वेलकम टू जीजे बायोलॉजी स्टॉप, बायोलॉजी का स्टॉप। सो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में। डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में हम छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जानेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। और सो डीएनए डबल हेलिक्स की जो डिस्कवरी की थी वो की थी दो साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक। इन दो साइंटिस्ट ने डीएनए डबल हेलिक्स को ढूंढ निकाला है। सो डीएनए की जब हम स्टडी करते हैं तो हम पढ़ते हैं बी डीएनए को। डीएनए के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें कि एक प्रकार बी डीएनए है। बी डीएनए जो है वो बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ डीएनए है। हमारे बुक में और हमारे सिलेबस में बी डीएनए की ही स्टडी की गई है, तो हम भी बी डीएनए की ही स्टडी करेंगे और बी डीएनए को ही समझेंगे। इस डबल हेलिक्स का, डबल हेलिक्स मतलब डबल स्टैंडर्ड डीएनए। सो जो ये डीएनए है उसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे वन टर्न। कितना टर्न? वन टर्न। ये एक टर्न है और एक इस एक टर्न को हम बोल सकते हैं पीच ऑफ डीएनए। कितना पार्ट? यहाँ से लेकर के इतना पार्ट, देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के इतना पार्ट। ये एक टर्न है, डीएनए का एक टर्न है और इस एक टर्न को हम पीच ऑफ डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीच ऑफ डीएनए बोलते हैं। सो इस एक टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 3.4 nm। इसकी लेंथ है 3.4 nm, इसकी लेंथ है, जिसको हम बोल सकते हैं 34 angstrom। एंगस्ट्रॉम जो है वो छोटा यूनिट है, जबकि एनएम जो है वो बड़ा यूनिट है। सो डीएनए की लेंथ क्या होती है? 3.4 nm या फिर 34 angstrom। समझ गए? सो ये जो डीएनए है इसमें इस तरीके से बेस पेयर लगे होते हैं, बेस पेयर इसमें इस तरीके से लगे होते हैं। और आपस में ये बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बेस पेयर के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। सो हर एक टर्न में कितने बेस पेयर? डीएनए के हर एक टर्न में 20 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और 10 बेस पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? 20 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और 10 बेस पेयर्स होते हैं। क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। 20 नाइट्रोजन बेसिस, 10 बेस पेयर्स। बेस पेयर्स यानी आपस में जुड़े हुए और नाइट्रोजन बेस मतलब अलग अलग। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो ये हो गए हैं 20 नाइट्रोजनस बेसिस और 10 बेस पेयर्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 बेस पेयर्स। सो इन नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो गैप होता है, जैसे ये एक नाइट्रोजन बेस है, एक नाइट्रोजन बेस है, इनके बीच में ये वाला जो गैप है, इस गैप को, ये गैप होता है 3.4 angstrom का, 3.4 angstrom, जिसे हम 0.34 nm लिख सकते हैं। और इनके बीच जो एंगल, ये जो एंगल होता है, ये वाला जो एंगल है,
ये जो एंगल है ये होता है 36 डिग्री का, 36 डिग्री। सो दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो गैप होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या हम बोल सकते हैं 0.234 nm। और जो एंगल होता है नाइट्रोजन बेसिस के बीच में वो होता है 36 डिग्री वाला, 36 डिग्री का। हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सो जो हम डीएनए पढ़ रहे हैं वो BDNA है, जो कि कॉमन डीएनए होता है। और जो डीएनए डबल हेलिक्स को डिस्कवर किया है वो किया है वॉटसन और क्रिक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार नीट में आ चुका है, सो हमें याद रखना है वॉटसन एंड क्रिक। डबल हेलिक्स जब भी हम नाम लेंगे तो वॉटसन और क्रिक लगा देंगे उसके आगे। वन टर्न ऑफ डीएनए की लेंथ होती है 3.4 nm या 34 एंगस्ट्रॉम। और एक टर्न में 20 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और 10 बेस पेयर्स होते हैं। सो दो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो गैप होता है वो होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, या हम उसे कहते हैं 0.34 nm। और जो एंगल इनके बीच में होता है वो होता है 36 डिग्री का। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। आप इसके नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं नीट में, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। और आगे आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊँ तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।